हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न इंग्लिश क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क 2018 और एसबीआई पीओ 2018 के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें और ध्यान से सारी चीज़ें सुने, तभी आपको ये वीडियो क्लास समझ में आएगी। इस पूरे वीडियो में 20 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बैंकिंग एग्जाम में निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। तो ये टाइप वन है। देखिए, नए पैटर्न और लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें जो बेसिक क्वेश्चन होता है उसी को ट्विस्ट करके अलग तरीके से उस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और यदि आपके बेसिक्स क्लियर हैं, यदि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो पैटर्न किसी भी तरीके से आए, आप उस क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। तो ये टाइप वन है और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से हम पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विच इज डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स। आउट ऑफ द गिवन फाइव पार्ट्स, वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड द रेस्ट आर नॉट। मतलब इन पांच पार्ट में से केवल एक ही पार्ट ग्रामेटिकली करेक्ट है, बाकी के पार्ट ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट पार्ट को आपको देखना है और वही आपका इसमें आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ते हैं। इसमें ट्रिक क्या हो सकती है, इसमें एक ये ट्रिक हो सकती है, यदि आप किसी पार्ट के बारे में 100% श्योर हैं कि ये पार्ट करेक्ट है, तो उस पार्ट पर आप आंसर लगा सकते हैं और बाकी के पूरे क्वेश्चंस को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे वर्ड मीनिंग आते हों। और सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस करना है। आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको एक्यूरेसी के साथ करना है, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए और सारे वर्ड मीनिंग्स आपको पता हों। ठीक है, तो आपको लॉजिक और कॉमन सेंस को ज़्यादा अप्लाई करना है, और लॉजिक और कॉमन सेंस का नॉलेज की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा रोल है बैंकिंग एग्जाम्स में। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट पार्ट है उसको आपको देखना है और वही आपका आंसर होगा। दे आर कॉम्प्लिसिटेड इन दिस वायलेंट। कॉम्प्लिसिटेड का क्या मतलब है? कॉम्प्लिसिटेड का मतलब ऐसे इन्वॉल्व होना होता है किसी चीज़ में। दे आर कॉम्प्लिसिटेड, कॉम्प्लिसिट होना चाहिए एक्चुअली ये, इन दिस वायलेंस होना चाहिए यहाँ पर, इन दिस वायलेंस बाय देयर डिलीबरेट नेग्लिजेंस टू सेइंग द लीस्ट नहीं होता, जो सही फ्रेज है वो होता है टू से द लीस्ट। If not active support, why not? By not के बाद यहाँ पर actually देखिए, यहाँ पर by है तो by एक proposition है, तो यहाँ पर coming होना चाहिए, by not coming to the rescue of Muslim in a timely manner। अब इसमें कौन सा part सही है ये हम देखते हैं। देखिए, ये part तो गलत है। They are complicated in this violence, मतलब वो इस violence में involved हैं। They are complicit in this violence होना चाहिए। तो ये part आपका गलत है, ये part आपका गलत है। For their deliberate negligence, to say the least, ये पार्ट भी आपका गलत हो गया। To say the least होना चाहिए। Active support by not coming होना चाहिए। To the rescue of Muslim in a timely manner। इसमें E पार्ट जो है वो आपका सही है। देखिए, rescue से पहले हम to ही लगाते हैं, तो to यहाँ पर लगा हुआ है, और जो सही phrase है वो है in a timely manner। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ई, क्योंकि ई पार्ट करेक्ट है और बाकी के पार्ट इसमें आप देख सकते हैं इनकरेक्ट हैं। तो इसमें ट्रिक क्या हो सकती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ट्रिक ये है कि आपको केवल करेक्ट पार्ट लिखना है, करेक्ट पार्ट देखिए, और यदि आप श्योर हैं करेक्ट पार्ट में तो वही आपका आंसर है, उसी को आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप श्योर नहीं हैं तो आप दूसरे पार्ट आप देख सकते हैं। अब ये है सेकंड पार्ट, वी कैप्ट स्पोकन टू। देखिए, कैप्ट जो होता है या कीप जो होता है उसके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। वी कैप्ट स्पोकन नहीं होगा ये, वी कैप्ट स्पीकिंग टू ऑल द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स होना चाहिए। अब देखिए, यदि आपको सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, और देखिए बैंकिंग एग्जाम में टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और अब तो 20 मिनट की विंडो कर दी है, तो टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि करेक्ट पार्ट को आप देखें और उस पर आंसर लगाएं और सीधे आप आगे बढ़ जाएं। पूरा सेंटेंस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यदि आप ये सेंटेंस देखें तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पार्ट है बी पार्ट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स और दे कैप्ट। अब आई एन जी फॉर्म वाला पार्ट तो आगे है, आई एन जी फॉर्म तो यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन कैप्ट अपने आप में सही है। पास्ट टेंस में कीप का जो पास्ट टेंस होता है वो कैप्ट होता है। तो ये पार्ट सही है, ये पार्ट सही है, और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स पार्ट सही है। अब आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना और उसका मीनिंग निकालना, वर्ड्स की मीनिंग निकालना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको केवल करेक्ट पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, ये आपका केवल MCQ है। तो इसलिए यहाँ पर बी पार्ट जो है ये सही है, और बी किस में है, बी है ए में, तो आपका आंसर होगा ए।
देखिए कितना टाइम सेविंग है, आपका पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको वर्ड मीनिंग नहीं जानना जरूरी है पूरे क्वेश्चंस की, आपको केवल लॉजिक और कॉमन सेंस अप्लाई करना है किसी भी बैंकिंग एग्जाम में निकलने के लिए। क्वेश्चन थ्री आपके सामने है, केवल करेक्ट पार्ट देखिए और उसका आंसर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अब करेक्ट पार्ट मैं इसमें आपको देख के बताता हूँ, टू सच ए कैलेमिटी। देखिए इसमें यदि आप सी पार्ट देखें तो ये सही लग रहा है, इट, इट के बाद लुक्स ही हम बोलेंगे, इट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक का मतलब है कि ऐसा लगता है, इसको देखने से ऐसा लगता है, तो इट चूंकि सिंगुलर है उसके बाद एस लगा हुआ है तो एस तो सही है, और लुक लाइक का मतलब होता है इट सीम लाइक, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक कैलस, अब यहाँ पर देखिए ये होना चाहिए कैलस, यहाँ पर कैलस एक एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद आप यहाँ पर नाउन होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली डिसरिगार्ड ये होना चाहिए, लेकिन सी पार्ट इसमें सही है क्योंकि डिसरिगार्डिंग जो पार्ट है ये तो डी में है, लेकिन हमें देखना है केवल एक पार्ट, तो एक पार्ट जो है वो है सी, इट लुक्स लाइक कैलस, यानी सी पार्ट इसमें सही है, और सी किस में है, सी है ई में, तो आपका आंसर होगा ई। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको सारे वर्ड मीनिंग्स का अंदाज़ा नहीं लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए और केवल करेक्ट पार्ट देखिए किस में है, करेक्ट पार्ट अ कंपनी मे बी ओपनिंग, ये सही है, ठीक है, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यू स्टोर, सही है। अब देखिए दो सही हो गए, ठीक है, दो दो पार्ट आपके सही हो गए, इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस ही सही है क्योंकि एक ही पार्ट आपको सही करना है, लेकिन इसमें एक पार्ट भी सही है और ये पार्ट भी सही है, इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस ही सही है, तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट, यानी सी आपका आंसर आपका इसमें होगा। अ कंपनी मे बी ओपनिंग अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यू स्टोर्स, ऐसा हो सकता है कि कंपनी एक अच्छा स्टोर्स खोलती जा रही है, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यू स्टोर्स मतलब स्टोर्स की एक अच्छी संख्या वो ओपन करती जा रही है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर विच इन टर्न कुड कॉज इट्स टोटल रिवेन्यू टू इंक्रीज ईयर आफ्टर ईयर, हाँ बिल्कुल सही, इट्स यहाँ पर लगा हुआ है, तो पूरा पूरा सेंटेंस ही सही है ये, इसमें कहीं पर कोई गलती नहीं है, आपका आंसर होगा इसमें सी। तो इसी ट्रिक से और इसी टेक्निक से आपको इन सेंटेंसेस को करना है। दिस शोज द गवर्नमेंट एरोगेंट, इसमें आपको करेक्ट पार्ट देखना है, देखिए जब भी अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ रहता है तो अपोस्ट्रोफी एस के बाद हम नाउन लगाते हैं, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं राम्स बुक, राम की किताब, ठीक है, तो राम जो है वो नाउन है और उसके बाद हमने हमने एक नाउन लगाया, यानी अपोस्ट्रोफी एस के बाद यहाँ पर नाउन फॉर्म होनी चाहिए। एरोगेंट क्या है, नाउन फॉर्म नहीं है, एरोगेंट तो एक एडजेक्टिव है, इसका नाउन फॉर्म होगा एरोगेंस। दिस शोज द गवर्नमेंट्स एरोगेंस, ये पार्ट गलत है, एंड यूनिलैटरल मूव, टू के बाद फुल फॉर्म आनी चाहिए, टू के बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर लिखा है, बुलडोज होना चाहिए, ऑल द फाइनेंसिंग बिजनेसेस होना चाहिए विदाउट डिस्कसिंग देम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ये बिजनेसेस होना चाहिए, ये विदाउट के बाद आई एन जी फॉर्म होना चाहिए, इसमें ई पार्ट सही है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा आपका इसमें ए। क्वेश्चन सिक्स देखते हैं, केवल आपको करेक्ट पार्ट को पिक करना है, दो दे माई नॉट बी डिवाइड, इसमें तो देखिए फर्स्ट पार्ट ही करेक्ट है, दो दे माइट नॉट बी डिबार्ड, माइट नॉट बी के बाद यहाँ थर्ड फॉर्म लगी है क्योंकि ये पैसे वॉइस में यूज़ हो रहा है, डिबार्ड के बाद फ्रॉम आता है, लेकिन हमें केवल एक ही पार्ट देखना है, हालांकि ऐसा हो सकता है कि उनको डिबार नहीं किया गया हो, दो दे माइट नॉट बी डिबार्ड, माइट नॉट बी के बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी है जो कि सही है, यानी ए पार्ट जो है इसमें सही है और आई एम श्योर कि ए पार्ट इसमें सही है। अब मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसका अर्थ निकालने की ज़रूरत है, ठीक है, तो ए इसका सही आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा बी क्योंकि ए जो है वो बी में दिया है। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना है। अब देखिए इस पूरे सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ के मैं बता देता हूँ आपको ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आए, और कंडक्ट आर्बिट्रेशन इन इंडिया, अराइजिंग आउट होना चाहिए, ये अराइजिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, दे वुड भी होना चाहिए क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो ये वुड भी होना चाहिए, गवर्न बाय द कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ये एप्लीकेबल ऑफ द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, लीगल प्रोफेशंस होना चाहिए एक्चुअली ये, ठीक है, ऑफ द लीगल प्रोफेशंस इन इंडिया, दो दे माइट नॉट बी डिवाइड फ्रॉम कंडक्टिंग आर्बिट्रेशन इन इंडिया अराइजिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, दे वुड बी गवर्न बाय द कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल के बाद टू होना चाहिए, यहाँ पर एप्लीकेबल ऑफ नहीं होना चाहिए, एप्लीकेबल टू होना चाहिए यहाँ पर,
ठीक है, एप्लीकेबल टू होना चाहिए यहाँ पर, टू द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। तो इसमें ए पार्ट में आपकी गलती है। अब देखिए, इस तरह की ट्रिक्स को आपको अपनाना जरूरी है, पर्टिकुलरली बैंकिंग एग्जाम में, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में इंग्लिश में आपको केवल 20 मिनट का टाइम मिलेगा 30 क्वेश्चन को करने के लिए। तो ट्रिक्स को अप्लाई करना जरूरी है, टाइम सेविंग ट्रिक्स को अप्लाई करना जरूरी है, कॉमन सेंस अप्लाई करना जरूरी है, लॉजिक अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि आप पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, वर्ड्स की मीनिंग का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, तो वो हेल्पफुल नहीं होगा आपके लिए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं। इसमें केवल आपको करेक्ट पार्ट देखना है, और द सेक्रेटरी हैव एवरी इंटेंशन ऑफ स्टेइंग। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑफ इसमें प्रपोजिशन है और ऑफ के बाद स्टेइंग लगा है, इंटेंशन अपने आप में सही है। तो बी पार्ट जो है ये अपने आप में सही है, और आपका आंसर होगा इसमें ए। देखिए, 10 सेकंड भी नहीं लगे इसका आंसर निकालने में, और आपका आंसर इसमें सामने आ गया, क्योंकि आपको केवल करेक्ट पार्ट ही इसमें देखना है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द टू पॉइजनिंग्स जस्ट ओवर अ डिकेड अपार्ट हैव होना चाहिए, क्योंकि टू पॉइजनिंग्स की बात हो रही है यहाँ पर। पॉइजनिंग्स का क्या मतलब है? पॉइजनिंग्स का मतलब है कोई भी निगेटिव पॉइंट, ठीक है, जस्ट ओवर आ। इसमें फर्स्ट पार्ट ही सही है, द टू पॉइजनिंग्स जस्ट ओवर आ, यहाँ तक ये सही है। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ए जो है वो सी में दिया है, बस निकल गया आपका आंसर, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। ऑन ट्यूजडे एयरपोर्ट ऑपरेशंस रिटर्निंग टू नॉर्मल होता है, द रैकेज ऑफ द क्रैश्ड एयरक्राफ्ट लेड नियर द रनवे। अब देखिए, इसको यदि आप इसमें लॉजिक लगाएं, तो बाय सिक्योरिटी पर्सनल बिल्कुल सही है, क्योंकि गलत क्या होगा ये, बाय सिक्योरिटी पर्सनल मतलब एक पर्सनल का मतलब होता है जो कर्मचारी होता है, उसको हम बोलते हैं एक्चुअली इसका उच्चारण जो होता है वो पर्सनेल होता है, पर्सनेल, ठीक है, ये पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत वाला ये पर्सनल नहीं है, पर्सनेल है, बाय सिक्योरिटी पर्सनल। तो ई पार्ट जो है इसमें सही है, और आपका आंसर होगा इसमें बी, क्योंकि ई जो है वो बी में दिया है, बस निकल गया आपका आंसर, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं सारे पार्ट्स में बता देता हूँ कहाँ पर कौन सी एरर है। देखिए, ऑन ट्यूजडे यानी पास्ट की बात हो रही है, एयरपोर्ट ऑपरेशंस रिटर्न टू नॉर्मल होना चाहिए, ये रिटर्न टू नॉर्मल, ठीक है, रिटर्नड यहाँ पर होना चाहिए, ये होना चाहिए टू नॉर्मल, रिटर्न टू नॉर्मल एक फ्रेज है, ठीक है। वाइल द रैकेज, रैकेज मतलब जो जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद जो कचरा रहता है उसको हम बोलते हैं रैकेज, रैकेज ऑफ द क्रैश्ड एयरक्राफ्ट लेड नहीं होगा, ये लाई का सेकेंड फॉर्म ले होता है, लाई मतलब पड़े रहना, तो लाई का सेकेंड फॉर्म ले होगा, ये लेट तो आधारशिला रखना वाला होता है, ठीक है। द रनवे ये गार्डिंग में भी एक्चुअली कुछ यहाँ पर होना चाहिए, क्रैश्ड एयरक्राफ्ट ले नियर द रनवे गार्डेड होना चाहिए, एक्चुअली ये गार्डेड बाय द सिक्योरिटी पर्सनल, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर्सनल जो है ये सही है, ई इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ सेपरेट सिक्योरिटी सोर्स, देखिए सेपरेट सिक्योरिटी सोर्स ऑफ गाजा सेड द कन्वॉय इज ऑल्सो फायर्ड ऑन बाय अननोन गनमैन एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन होना चाहिए। इसमें देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, इसमें देखिए कोई गलती नहीं है, बाय अननोन गनमैन एट द इस पार्ट में बताइए कहाँ पर गलती है, ये पार्ट पूरी तरीके से सही है। By unknown gunman, gunman plural हो सकता है ये, ठीक है, By unknown gunman at the, ये पार्ट बिल्कुल सही है, यानी D इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा D, आपको पूरा पढ़ने की सेंटेंस जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं पूरा सेंटेंस का मीनिंग आपको बता देता हूँ। अ सेपरेट सिक्योरिटी सोर्स, देखिए गाजा पट्टी एक जगह का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पर होगा इन। अ सेपरेट सिक्योरिटी सोर्स इन गाजा सेड दैट द कन्वॉय एज नहीं होगा, ये चूंकि यहां पर ये पास्ट है तो यहां पर ये एज नहीं होगा, यहां पर होना चाहिए वॉज ऑल्सो फायर्ड होना चाहिए, वॉज ऑल्सो फायर्ड ऑन मतलब उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। अ सेपरेट सिक्योरिटी सोर्स इन गाजा सेड दैट द कन्वॉय मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव था, जो ग्रुप था, वॉज ऑल्सो फायर्ड ऑन, ठीक है, वॉज ऑल्सो फायर्ड ऑन होना चाहिए बाय अननोन गनमैन एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर डी इसका सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ कथाटिक मूवमेंट ऑफ द स्टोरी
मूवमेंट स्टोरी में होता है, स्टोरी की, स्टोरी का मूवमेंट नहीं होता। अ कथाटिक मूवमेंट इन द स्टोरी होना चाहिए इज व्हेन शी कम फेस टू फेस ऑफ हर फादर आफ्टर सेवरल ऑफ ईयर्स। सेवरल ऑफ ईयर्स गलत है, अ कथाटिक मूवमेंट ऑफ द स्टोरी इन द स्टोरी होना चाहिए। एक्चुअली इसमें ये वाला पार्ट सही है, हर फादर आफ्टर, ये वाला पार्ट एकदम सही है, हर फादर आफ्टर। सेवरल ईयर्स होना चाहिए, ये गलत है। व्हेन शी अ कथाटिक मूवमेंट ऑफ द स्टोरी इज व्हेन शी कम्स होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है इसकी, तो ये कम्स होना चाहिए। और फेस टू फेस, फेस टू फेस यहाँ पर ऑफ एक्चुअली गलत है, फेस टू फेस टू हर्फ होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पर। तो कुल मिला के इसमें ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल सही लग रहा है, डी हर फादर आफ्टर, कोई भी गलती नहीं है। इसमें आंसर होगा आपका ई, क्योंकि डी जो है वो ई में दिया हुआ है। कथार्टिक क्या होता है? कथार्टिक होता है प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल रिलीफ थ्रू द ओपन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। हमारे अंदर कोई गुस्सा भरा हुआ है, हमारे अंदर कोई दुख भरा हुआ है, तो हम रो के अपना गुस्सा निकाल के अपनी जो भड़ास है उसको निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड कथार्टिक। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द मैसेज दैट माथीवरन वुड लाइक टू कन्वे टू द ऑडियंस, द मैसेज दैट माथीवरन वुड लाइक, सही है ये पार्ट इसमें सही है, वुड लाइक टू कन्वे टू द ऑडियंस थ्रू, बी पार्ट भी सही है। यदि दो पार्ट सही है तो दो पार्ट तो सही हो नहीं सकते, क्योंकि करेक्ट तो एक ही पार्ट होगा, लेकिन इसमें दो पार्ट सही लग रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस ही सही है। और यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। तो इस तरीके से आपको कॉमन सेंस और लॉजिक को अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आई कैन स्पेसिफिकली, कैन के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई कैन के साथ मेक आएगा, मेक फन ऑफ होता है, मेक फन ऑफ देम बिकॉज अनलाइक सर्टेन, सर्टेन अदर इंडस्ट्रीज बिल्कुल सही है इसमें, सर्टेन अदर इंडस्ट्रीज, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। तो सी पार्ट इसमें सही है, आपका आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। माइनर इरेगुलरिटीज ऑन द रोड्स आर सोक्ड अप होना चाहिए, एक्चुअली क्वाइट एडमरेबल, क्वाइट एडमरेबली होना चाहिए बाय द सस्पेंशन। अब देखिए इसमें आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, आप ये वाला पार्ट देखिए। इसमें द सस्पेंशन दो द सस्पेंशन दो द, ये वाला पार्ट देखिए इसमें कहां पर गलती लग रही है आपको, ये बिल्कुल सही है। द सस्पेंशन दो द, यानी सी इसमें आंसर होगा आपका, आपका आंसर होगा बी। ठीक है, ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को। 15 देखते हैं। हेयर बी कम अक्रॉस एंड नहीं होगा, एंड ह्यूज कैटल फेयर द बुलॉक्स एंड बफेलो। अब देखिए इस पूरे सेंटेंस को आप भूल जाइए और इस पार्ट को देखिए आप, बीइंग ऑक्सेंड, ये सही है या गलत है? ये पूरी तरीके से सही है, क्योंकि बीइंग के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और इसका आंसर होगा ई, आपका आंसर होगा ए। पूरा सेंटेंस आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप टू। देखिए ये टाइप टू आ गया आपका, और इसमें आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा अपोजिट है, इसमें आपको इनकरेक्ट पार्ट देखना है, और इनकरेक्ट पार्ट आपको जैसे ही लगता है वही आपका, जो थोड़ा सा टफ है प्रीवियस सेंटेंसेस से। देयर वॉज ए टाइम वैन लाइक मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ये सही है, ये सही है। द क्रिटिकल इशू ऑफ डिफेंस प्रिपेयरनेस, देयर वॉज ए टाइम, देखिए ये पास्ट में चल रहा है सेंटेंस, देयर वॉज ए टाइम, तो यहाँ पर ये हैज़ नहीं हो सकता, यानी इसमें डी पार्ट जो है वो गलत है। और आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर वो होगा जिसमें डी नहीं है, और डी किस में नहीं है? डी सी में नहीं है, तो आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन टू देखते हैं। द सेंटर हैव बीन, ये तो फर्स्ट पार्ट में ही गलती आ गई इसमें, तो सेंटर सिंगुलर है तो यहाँ पर हैव बीन नहीं हो सकता, यानी ए पार्ट इसमें निश्चित रूप से गलत होगा। अब ए किस में नहीं है? ए ए और ए, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी, इसमें नहीं है, तो आपका आंसर होगा डी, डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिस केस डीलिंग विद एन इशू ऑफ वेरी सेंसिटिव नेचर हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ कमोशन इन द कंट्री एंड, देखिए दिस केस डीलिंग विद एन इशू ऑफ वेरी सेंसिटिव नेचर हैज़, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में है,
तो इसलिए यहाँ पर ये वॉज नहीं हो सकता, यहाँ पर होगा इज, यानी डी पार्ट इसमें गलती है, तो आपका आंसर होगा इसमें जिसमें डी नहीं है, डी किसमें नहीं है, आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, द लॉ विल नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द रिस्पॉन्सिबल एक्शंस एंड स्टेटमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, प्रॉपर प्रोसीजर्स आर बींग फॉलोड, इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन द फास्ट ट्रैक एंड जस्टिस वुड हैव बीन डिलीवर्ड, नहीं होगा, वुड हैव बीन तो हेड के साथ आता है, एक्चुअली वुड हैव बीन हमेशा किसके साथ आता है, हेड के साथ, इसलिए इसमें वुड हैव बीन नहीं आएगा, यानी ई पार्ट जो है इसमें गलत है, और जिसमें ई नहीं होगा वही आपका आंसर है। ई किसमें नहीं है, ई ए में नहीं है, आपका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, टूर ऑपरेटर्स इन मैसूरु हु हैड हु मे बी, इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में हु मे बी कीन ऑन, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस चल रहा है, इसलिए ये हैड नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर इसमें होगा हैज नहीं होगा, हैव होगा यहाँ पर, क्योंकि ये ऑपरेटर्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर होगा हैव। ए पार्ट आपका आंसर है, मतलब जिसमें ए नहीं होगा वो आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा बी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक और कॉमन सेंस अप्लाई करना है, आपको ट्रिक अप्लाई करना है, आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे वर्ड मीनिंग्स आते हों, आपको जितने भी क्वेश्चंस करना है वो एक्यूरेसी के साथ करना है, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, ना कि आपको ये कोशिश करना है कि पूरा का पूरा पेपर मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीके का आप सॉल्व करें, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करना है पूरी पूरी एक्यूरेसी के साथ। इस ट्रिक के साथ यदि आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो क्लास को मैं एंड करता हूँ, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में।